क्या आपको भी पेट गैस की दिक्कत होती है, पेट में एसिडिटी वगैरह रहती है, तो आज आपकी खान सिस्टर आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएगी जो आप खाना बंद कर दोगे, और कोई चीज़ ऐसी बताएगी जो आप खाओगे तो आपकी पेट की समस्या से समाधान आपको मिल जाएगा। अगर हमें पेट में गैस एसिडिटी वगैरह होती है तो इसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होता है, ऐठन होती है और अटपटा सा हमें महसूस होता है, और जो हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, हमारा पेट में बहुत दर्द वगैरह रहता है, जलन होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप करोगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल खान सिस्टर 786। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खान सिस्टर 786 में। तो आज आपकी खान सिस्टर आपको एसिडिटी और पेट गैस की दिक्कत को दूर करने के चीज़ें बताएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करते हो तो कुछ ज़रूरी जानकारी से वंचित रह जाते हो। इसलिए आप थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट तक देखने के बाद आपके लिए हेल्पफुल होती है वीडियो, और आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों रिश्तेदारों में भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम एक नई यूट्यूबर है, हमें आपके साथ की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप हमारा सपोर्ट बने और हमारे चैनल खान सिस्टर 786 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो चलते हैं, बात करते हैं टॉपिक की। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि गैस जो होती है पेट में वो कैसे बनती है। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जो खाना वगैरह खाते हैं, अगर वो सही से हमारे पचेगा नहीं, और हम खाना अगर जल्दी जल्दी खाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं जिससे कि वो पचने में उसको दिक्कत वगैरह होती है, तो इसकी वजह से भी गैस बनती है। तो गैस बनने का मेन कारण तो यही है कि खाना अगर सही से पचेगा नहीं तो वो गैस पैदा करेगा, उससे गैस हमारी बॉडी में बनेगी, जो वो गैस की दिक्कत हमें होगी। तो जो भी आप खाना खाओ तो ऐसा खाना आपको खाना चाहिए जो आसानी से पच सके। तो इसलिए अगर आप ऐसा खा रहे हो जो आसानी से नहीं पच रहा है तो वो गैस की दिक्कत होगी। तो आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जो पचे नहीं जल्दी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में भी खाना खाते हैं तो वो भी एक गैस बनने की समस्या होती है उससे भी। तो इस समस्या का अगर आपको समाधान करना है तो आपको एक तो खाना धीरे धीरे खाना है, ठीक से जिस तरीके से खाने का कहा गया उस तरीके से खाना है, और खाना वो चीज़ें खानी है जो आसानी से पच सके। तो ऐसी आप अगर चीज़ें करोगे तो गैस डेफिनेटली नहीं बनेगी। अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो गैस बनाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो गैस बनाती है, तो उसमें जो आती है वो है फूल गोभी। जी हाँ, फूल गोभी तो हमारे घर में अक्सर बनती है, पर आपको ये नहीं पता कि जो ये फूल गोभी, जिसे ब्रोकली भी कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है गैस बनाने का, क्योंकि हम इसको खा लेते हैं तो ये पचने में थोड़ा टाइम लगाती है और ये हमें गैस भी पैदा करती है हमारी बॉडी में। तो इसे आप रात में खाने से बचे, यानी कि आप क्या करते हो, रात में खा के फिर सो जाते हो, अपन थोड़ा बहुत भी घूमते नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी ये पचने में थोड़ा इसको टाइम लगता है, तो इसलिए ये गैस बनाती है। तो फूल गोभी भी एक ऐसी सब्जी है जो आपको गैस पैदा करती है। तो अगर आप इसका सेवन करो तो कम मात्रा में करें, और आपको गैस की दिक्कत रहती है तो ना करें, और रात में तो बिल्कुल ना करें, मॉर्निंग में तो और कर सकते हैं। अब दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो वो है बैंगन। जी हाँ, बैंगन एक ऐसी सब्जी है, वेजिटेबल्स है, जो अक्सर लोगों के घरों में बनती है। कोई अलग अलग तरह से इसकी चीज़ें बनाता है, डिशें बनाता है, कोई बैंगन का भरता बनाता है, कोई बैंगन की सब्जी बनाता है, कोई बैंगन के पकोड़े बनाता है, और तरह तरह से इसका स्वाद लेते हैं। बहुत से लोगों को बैंगन बहुत पसंद होता है और बहुत से को नहीं पसंद होता, पर आपको ये नहीं पता कि ये जो अपन बैंगन है ना, ये भी गैस बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ, बैंगन भी हमें पचने में टाइम लगता है इसको, तो इससे भी हमारा जो गैस है वो बनती है। तो ये भी आप नाइट में ना खाएं, मॉर्निंग में आप खा सकते हो, मतलब दिन के खाने में आप खा सकते हो, पर कम मात्रा में खाएं। और अगर गैस की दिक्कत आपको ज़्यादा रहती है तो बैंगन ना खाएं, क्योंकि बैंगन भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो गैस पैदा करता है। इसके अलावा
जो मूली होती है, जो दूध होता है, गाजर होती है, मूली होती है, ये भी हमें गैस बनाने का काम करती है। इनमें भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमें गैस बनाने का काम करते हैं। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ी कम मात्रा में ले, क्योंकि अगर लो तो मतलब दिन के खाने में ले, नाइट में ना ले, क्योंकि नाइट में आप इसे लेते हो और सो जाते हो, चलते फिरते नहीं हो तो ये गैस पैदा करती है। तो गाजर हुई, मूली हुई, दूध हुआ, ये भी आपको गैस पैदा करता है। ये इंग्रेडिएंट भी ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं, आपको गैस पैदा करते हैं, जिससे आपको जलन होती है, पेट में एसिडिटी होती है। तो ये भी एक ऐसे इंग्रेडिएंट है जो गैस पैदा करते हैं। तो इसका भी आप सेवन कम करें या ना करें। अब बात करते हैं अगले इंग्रेडिएंट की, जो आपको गैस पैदा करता है। कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मैदा भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें गैस पैदा करती है। मैदे के तो बिस्किट, ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, फ्राइज, फूड, मैदे से बने बहुत सारे फास्ट फूड होते हैं जिसका सेवन हम कर ही लेते हैं। कितना भी हम कोशिश करें ना खाए, पर हम खा ही लेते हैं। घर में भी ऐसी चीज़ें मैदे की बना के, समोसे वगैरह कुछ भी बनाते तो ऊपर मैदा ही होता है। तो मतलब किसी भी तरह से हम मैदे का इस्तेमाल कर लेते हैं, खा लेते हैं, पर आपको नहीं पता कि मैदा जो होता है वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और वो हमें गैस पैदा करता है और उससे हमारे को एसिडिटी होती है, पाचन तंत्र भी हमारा ख़राब रहता है और गैस वगैरह पैदा होती है। तो मैदा एक बहुत बड़ा रीज़न है, अगर आप खाओगे तो गैस पैदा कर सकता है ये। तो मैदे की चीज़ें भी आप अवॉइड करें और फास्ट फूड तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। अगर आपको एसिडिटी होती है, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है और आपको गैस बनती है, तो मैदे की चीज़ें ना खाएं। इसके अलावा राजमा, दाल और चना, ये तीनों चीज़ें हमें बहुत पसंद होती है। अक्सर हम राजमा चावल बना बना के खाते हैं, चने भी हम अलग अलग तरह से खाते, या तो तल के खाते, फ्राइड करके खाते, सेक के खाते, बहुत तरह का चाट बना के खाते हैं। तो चना का सेवन भी हम विभिन्न तरह से करते हैं और राजमा चावल तो हम खाते ही खाते, पर आपको ये नहीं पता कि ये भी हमें गैस पैदा करते हैं। इनमें पचने वाली जो चीज़ होती है वो बहुत मतलब हमें पचाती बहुत धीरे है, ये हम अगर सेवन करेंगे तो ये बहुत धीरे धीरे पचेगा और ये हमारे गैस पैदा ज़रूर करेगा। ये चीज़ें भी हमें गैस पैदा करती हैं। जिसका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है उनको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो पचने में टाइम लगाती है और हमें गैस पैदा करती है। अगर हमें गैस बनती है तो हमें एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है और हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारा मतलब किसी चीज़ में काम में दिल नहीं लगता, क्योंकि पेट में अगर जलन होगी तो हम कहाँ से दूसरी चीज़ों में हमारा दिल लगेगा। तो आप ऐसी चीज़ें का सेवन ना कीजिए जो गैस बनाती है और वही चीज़ें बनाती है जिसे पचने में टाइम लगता है और आप खाना भी धीरे धीरे खाए, एकदम जल्दी जल्दी आपको खाना नहीं खाना चाहिए, आपको धीरे धीरे ही खाना खाना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो मैंने आज आपको वीडियो में बताई है, दाल, चावल, राजमा, मूली, गाजर, बैंगन, गोभी, मैदा, इन चीज़ों को आपको कम मात्रा में ही लेना चाहिए और जितना हो सके बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये गैस पैदा करते हैं और इससे पेट में जलन वगैरह होती है। तो आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना खाएं, ऐसी चीज़ें आप आपकी डाइट में शामिल ना करें जो गैस पैदा करती है, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम नहीं होती। आपका जो खाने का जो रूटीन होता है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, आपके डाइट प्लान में आपको वो चीज़ें शामिल करनी है जो आपको गैस पैदा ना करे। तो मैंने आज आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो गैस पैदा करती है, तो आप आपके हिसाब से उसको बैलेंस करें और उन चीज़ों का सेवन करें जो गैस नहीं बनाती और उन चीज़ों को अवॉइड करें जो गैस बनाती है, ठीक है जी, और उन चीज़ों को खाए जो गैस नहीं बनाती। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बताई है जो गैस नहीं बनाती है और वो भी बताई है जो गैस बनाती है। तो आपके ऊपर है आपको कौन सी चीज़ें किस तरीके से खानी है, तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो गैस बनाती है। तो आज आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आपके दोस्तों रिश्तेदारों में भी हमारी वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा।
हम एक नए यूट्यूबर हैं, हमें आपके साथ की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल पे हम आपके लिए बहुत कुछ लाते हैं, जैसे DIY, फ्लिपकार्ट मीशो के ऑफर्स, मेहंदी डिज़ाइन, घरेलू उपचार, प्लांट्स की वीडियो, ब्यूटी टिप्स और बहुत कुछ। तो एक ही चैनल पे आपको इतना कुछ देखने को मिलता है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए।